प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में जल्द राइफल, शॉटगन, एयरगन और एयर पिस्टल बनाने का काम शुरू होगा। कंदरौड़ी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 5 कंपनियों ने हथियार बनाने के लिए प्लांट खरीदे हैं, जिनमें से एक कंपनी को हथियार बनाने का लाइसेंस भी मिल गया है, जबकि 4 कंपनियों को अभी लाइसेंस मिलने का इंतजार है। जानकारी के अनुसार जिस कंपनी को हथियार बनाने का लाइसेंस मिला है, उस कंपनी ने कंदरौड़ी में भवन निर्माण काम शुरू कर दिया है और पूरा भी हो गया है। उस कंपनी ने कंदरौड़ी में भवन निर्माण का काम भी पूरा कर लिया है और इस साल से कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी। कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र में विभाग द्वारा 108 प्लांट बनाए गए थे, जिनमें से 52 की अलॉटमेंट हो चुकी है। जो प्लॉट अलॉट हुए हैं, उनमें रेलवे पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बॉटल डिस्पेंसर यूनिट, मेडिसिन, फूडवेयर, ऑक्सीजन गैस, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट सहित अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। जो 52 प्लॉट अलॉट किए गए हैं, उनमें से कुछ यूनिट द्वारा 15 दिन के भीतर भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से क्षेत्र में लगभग 1300 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होंगे। जिला औद्योगिक केंद्र धर्मशाला के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 5 कंपनियों ने हथियार बनाने के लिए प्लॉट खरीदे हैं, जिनमें से एक कंपनी को लाइसेंस भी मिल गया है और कंपनी इस साल प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। अन्य 4 कंपनियां लाइसेंस का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कंदरौड़ी में 108 प्लॉट में से 52 अलॉट किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ यूनिट 15 दिन के भीतर अपनी प्रोडक्शन भी शुरू करने वाली है। उन्होंने बताया कि यूनिट के माध्यम से 1300 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। जिला कांगड़ा में औद्योगिक क्षेत्र कंदरौड़ी विकसित किया जा रहा है। इसमें विभाग द्वारा अभी तक 108 प्लॉट जो हैं डेवलप किए गए थे, जिसमें से लगभग 52 प्लॉट्स जो हैं विभिन्न उद्यमियों को इसमें अलॉट किए जा चुके हैं। और इसमें जो कुछ जिनको हमने प्लॉट अलॉट किए हैं, उनमें से कुछ औद्योगिक इकाइयों ने कंस्ट्रक्शन का काम जो है कुछ ने कंप्लीट कर लिया है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन जो है अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो अभी जैसे ही जैसे इसमें जो मुख्यतः जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो हैं आर्मामेंट सेक्टर में हैं, जो आर्म्स का प्रोडक्शन करेंगी, जिसमें 5 इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, जो जैसे आपके शॉट गन, रिवॉल्वर हैं, एयर राइफल्स हैं, इस टाइप्स के यूनिट्स हैं, ये इसमें आ रहे हैं हम जो आर्म्स एंड एम्युनिशन में। बाकी जो हैं इसमें फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, रेलवे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हैं, इसके अलावा टफन ग्लास यूनिट्स हैं, कॉरुगेटेड बॉक्सेस की इकाइयाँ हैं, और जो डिफरेंट जो इसमें क्षेत्रों में जो है औद्योगिक इकाइयाँ आ रही हैं। हमारे जो अभी रिसेंटली अभी मीटिंग हुई थी निदेशालय स्तर पर, और जिसमें से जैसे डिस्पेंसर्स जो अपने बॉटल डिस्पेंसर बनते जो चाइना पार्ट्स बनते थे, वो अभी यहाँ पे औद्योगिक इकाई इसमें विकसित होने जा रही है। अभी तक जो हमने प्लॉट अलॉट किए हैं, उसमें से जो हैं कुछ औद्योगिक इकाइयाँ अभी आने वाले विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर जो अभी कुछ तो अपना औद्योगिक उत्पादन शुरू कर देंगी। बाकी जिनको जैसे जैसे इनका 2 वर्ष का इनको टाइम कार्यकाल होता है, तो बहुत जल्दी ये भी अपना बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है और प्लांट एंड मशीनरी भी जल्दी यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगी और कुछ तो अभी प्रोडक्शन में आने वाली हैं, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन में आ जाएंगी। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है लगभग जो अभी तक जिनकी अलॉटमेंट हुई है लगभग 1350 लोगों को इसमें रोजगार मिलना प्रस्तावित है।